चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। वाराणसी जंक्शन कैंट से एक नई ट्रेन की शुरुआत हुई है जो कि कांवड़िया एक्सप्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काशीवासियों की नई ट्रेन की सौगात दी है। चलिए आगे की जानकारी आपको देता हूँ। देखिए कैंट स्टेशन पर मैं इस समय हूँ। काफ़ी भीड़ भाड़ है और काफ़ी पुलिस प्रशासन लगी हुई है क्योंकि आज हरी झंडी देने के बाद ये कांवड़िया एक्सप्रेस कांवड़िया के लिए रवाना हो जाएगी जो कि 2:12 पर पहुँचेगी। ट्रेन की टाइमिंग यहाँ पे है 11:12 पर यहाँ से निकलेगी और 2:12 पर वहाँ पहुँचेगी। देख सकते हैं यात्री काफ़ी खुशी है लोग, क्योंकि यात्री लोग पहले से इसकी बुकिंग करा लिए थे। आप देख सकते होंगे इधर इसमें कैंट स्टेशन पे मैं हूँ और चल के मैं अंदर भी दिखाता हूँ आपको ट्रेन के अंदर का भी। देख अभी खाली है, अभी यात्री लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं इसके अंदर। लोग इस ट्रेन पर काफ़ी सेल्फी भी ले रहे थे। देखिए अंदर जाकर लोग काफ़ी लोग बैठ भी गए हैं और लोग बाकी है सीट का जो बुकिंग कराए हैं वही लोग बैठेंगे इसके अंदर। अगर ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत किया हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों काशी केवड़िया सुपर फास्ट ट्रेन की सौगात देंगे, यानी कि आज 17 जनवरी 2021 को प्रवाहन 11:12 पर यह ट्रेन रवाना होगी। कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्रस्थान करेगी और यहां से निकल जाएगी केवड़िया गुजरात के लिए, जो कि वो पहुंचेगी 2:12 पे वहां पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर केवड़िया को देश के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के लिए प्रस्तावित काशीवासियों केवड़िया सहित कुल 8 ट्रेनें रेलवे की परियोजना देश के नाम पर समर्पित होगी, क्योंकि 8 ट्रेनों का आज उद्घाटन हो गया कि अलग अलग जगहों से। आ देखिए यहाँ केवड़िया सुपर फास्ट ट्रेन आज से ये कैंट स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर देखिए जाने वाली है। देखिए हरी झंडी सामने दिख रहे दिया जा रहा है। काफ़ी मीडियाकर्मी यहाँ पे हैं, काफ़ी पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे बता दें कि बनारस के DM भी थे और वो भी थे आपके नीलकंठ तिवारी जी भी थे। काफ़ी यहाँ पे अधिकारी लोग यहाँ पे आए हुए थे। आप देख सकते हैं ट्रेन चल चुकी है। हरी झंडी दिखाने के बाद काफ़ी फूलों से सजाया गया है गुब्बारों से। यात्री भी काफ़ी उत्साह में थे, जो कि आप देख सकते हैं जा रही है ट्रेन। ये गुजरात में पहुंचेगी 2:12 पे की केवड़िया एक्सप्रेस। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि काशी केवड़िया सहित कुल 8 ट्रेनें रेलवे की परियोजना देश के नाम समर्पित होगी। नादन रेलवे DRM संजय त्रिपाठी ने बताया कि यह ट्रेन बनारस, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रताप नगर और केवड़िया से चलेगी। लोकार्पण का कार्यक्रम सुबह 11:00 से शुरू होगा, जो कि अभी तक हो रहा है, हमें को दिखा रहा हूँ मैं। इस अवसर पर कुछ लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी, जो कि यहाँ पर थोड़ा कुछ दिखाया भी जा रहा था। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा इसलिए मैं दिखाया नहीं हूँ आपको। देश के पहले ग्रीन बिल्डिंग रेलवे स्टेशन केवड़िया के इन लोकार्पण अवसर पर केवड़िया में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। DRM संजय त्रिपाठी ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन की लगभग पूरी सीट भर चुकी है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में इस ट्रेन की कितनी डिमांड थी। यह ट्रेन 4 प्रदेशों से होकर गुजरेंगी तो उनकी सभी यात्रियों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात होगी। बनारस खुद अपने आसपास में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और केवड़िया एक ऐसी जगह है जहां भारत के एक होने का प्रतीक माना जाता है। उद्घाटन ट्रेन पहले 17 जनवरी को गाड़ी संख्या 09130 बनकर चलेंगी। प्रवाहन 11:12 चलकर अगले दिन दोपहर 2:12 केवड़िया गुजरात पहुँचेगी। इसके बाद गाड़ी संख्या 09103-04 का नियमित संचालन किया जाएगा। प्रयागराज, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, सूरत व वडोदरा सहित विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव होगा। तीसरी बार लोकार्पण को स्थगित कर
तारीख बदली गई है। काशी केवड़िया सुपरफास्ट का शेड्यूल जारी होते ही शुक्रवार को शाम बुकिंग शुरू हो गया। रेलवे प्रशासन ने पहले फेरे की शुल्क सहित योजना में कुछ बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन की तरफ से किराए की सूची भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर लीक कर दी गई है। इस ट्रेन में सफर करने को लेकर यात्रियों में काफ़ी उत्साह दिखा है। टिकट का विकल्प खुलते ही सीधे धड़ाधड़ बुक होने लगी है। आप देख सकते हैं सामने सेल्फी लोग ले रहे हैं और काफ़ी मन में उत्साह उन लोगों के है। काफ़ी चैनल वाले यहाँ पे आए थे। अब की ये बता दूँ कि अब तक की एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे अगर नई जानकारी जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी काम होते रहते हैं मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। देखिए एकदम चमक रही है ट्रेन एकदम, क्योंकि नई ट्रेन है इसलिए। मैं इसको पूरा लिया हूँ जहाँ तक, मतलब पूरे कहाँ से ख़त्म हो जाइए। देखिए काफ़ी लोग चैनल वाले जा रहे हैं वहाँ पे, और आगे थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, भाषण भी चल रहा है। काफ़ी मंत्री वहाँ पे, मंत्री लोग बैठे हैं, डीएम जो बनारस के डीएम वो लोग भी बैठे हैं वहाँ पे, देख रहे हैं। एक एलसीडी डिस्प्ले लगाई गई है, उसी से वहाँ पे देख रहे हैं लोग। अब बता दें यहाँ से अब हाथ से हरी झंडी दिखाने के बाद अब चलने ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। देख रहे गेट के सामने लोग खड़े हैं, निकल के देख रहे हैं। और यहाँ पे बता दें कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको भी देख के काफ़ी खुशी हो रही थी, वो लोग भी यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। उनके लिए भी बड़ी बड़ी बात होती है सब देखने के लिए, लोग भी खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, अपना तमाशा देखते रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो बैठे अंदर वो खिड़कियों से देख रहे हैं बाहर का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ ये मैं आपके लिए ही गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी जा रही है, यहाँ पे देख सकते होंगे फूल माला गुब्बारों से काफ़ी सजाया गया है। देखिए पीछे का पूरा है क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है। देखिए ख़त्म हो चुका है अब। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर।